बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप कैसे हो, क्या कर रहे हो? घर में मसरूफ़ होंगे, अपने बेबी में या घर के कामों में, घर वालों से? आजकल सब घर पर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, क्योंकि घर पर हर बंदा घर पर रहने पर मजबूर होया हुआ, इसलिए सब बहुत ज़्यादा कुछ बात होंगे, इंजॉय भी कर रहे होंगे, एक दूसरे से गपशप में मसरूफ़ होंगे। इसलिए मैंने सोचा चलो आप बैठे इंजॉय कर रहे हैं, अभी अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ जो कि बेबी फ़्राकों की। इन फ्राकों को देखकर इंजॉय करें। ये फ़्राक बहुत आला किस्म के बने हुए हैं, अच्छे भी बनाए हुए हैं, प्रिंटेड भी हैं, सिंपल भी हैं, जीन्स के भी हैं, फ्रीलों वाले भी हैं, दो कलर में भी हैं, एक कलर में भी हैं, कंट्रास्ट में बनाएं, चाहे कुछ भी करें। अगर आपको सिलाई कटाई आती है तो आप फौरन कपड़ा लेकर बैठ जाएं, कंट्रास्ट में भी बना सकती हैं, एक कलर में भी बना सकती हैं। देखो फुल कलर में बना हुआ है, इसमें कोई कंट्रास्ट नहीं। ये भी इतना प्यारा लग रहा है, ये जीन्स का है, इसको सिर्फ डबल फ्रिल नीचे लगा कर वो बो लगा दी है, ऊपर स्टेप लगा दी है, ये भी फ्रिल लगा कर, ये भी कॉलर लगा कर खूबसूरती कर दी है, बटन लगे हुए हैं। बस ऐसे सिंपल सिंपल से फ्रॉक खुद भी सी सकती हैं, सिलाई भी करवा सकती हैं, मार्केट से भी ख़रीद सकती हैं। आपको ये हमारे फ्रॉकों का आइडिया पसंद आए तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों से शेयर करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सिंपल वन कलर में बना हुआ है, आप देखो ये भी वन कलर में है। इस साथ का फ्राक इसके अंदर पहले भी हमने दिखाया है, अब भी आप देखें, बार बार कोई फ्राक आ जाता है तो इसलिए आपकी आसानी हो जाती है, आप उसको देखकर सिलाई कर सकती हैं, आप ख़रीद के भी ला सकती हैं, जो भी चाहे आपकी अपनी मर्ज़ी। अपनी बेबी को पहनाएंगे, बहुत क्यूट लगेंगे, घर में बेबी फिरते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। जिस घर में बेबी नहीं उस घर में रौनक नहीं। अल्लाह ताला हर किसी के यहाँ बेबी अता फरमाए। बेटा या बेटी माँ बाप की सबसे बड़ी नेमत और दौलत औलाद है, औलाद से बड़ी नेमत कोई नहीं दुनिया में। दौलत तो दौलत होती है, औलाद घर की रौनक और घर की प्यार होता है, उसके बगैर घर बेरौनक है। जिस घर में बच्चे नहीं वो घर बेरौनक है। जिन बहनों के बेबी नहीं है उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको बेबी या बेटा या बेटी अता फरमाए। दुआओं में याद रखना, हम हमेशा दूसरों के लिए भी दुआ करते हैं, अपने लिए भी। आप हमेशा दूसरों के लिए भी दुआ करना, अपने लिए भी दुआ करना, हमसायों से अच्छा सलूक करना, दोस्तों से खुश रहना, किसी के साथ नाराज मत होना, घर वालों से बड़ों की खिदमत करना, बच्चों से प्यार करना, हर किसी का ख्याल करना हमारा फ़र्ज है। हमें सुबह उठकर अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, वज़ू कर कर नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, घर में खुशहाली आती है। जब हम अपने घर में इबादत करते हैं तो अल्लाह ताला तमाम परेशानियों से निजात देता, खुशहाली आ जाती, कभी कोई परेशानी नहीं आती। अल्लाह ताला को हमेशा याद करते रहना चाहिए हर रोज़, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबु अलैहि पढ़ो। दिन में 1000 बार पढ़ो या 5000 बार पढ़ो, फारिग नहीं बैठना। आपने अस्तग़फार पढ़नी है तमाम परेशानियां, दुख दर्द दूर करने के लिए दुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया जो बंदा मेरा अस्तग़फार पढ़ेगा मैं उसको कभी कोई तकलीफ़ और दुख नहीं दूँगा। देखो ये फ़्राक भी फ्रीलों वाला है, बहुत प्यारा लग रहा है आपको। ये फ़्राक तमाम फ़्राक एक से एक अलग किस्म के नज़र आ रहे हैं, इनमें किसी में कोई बुराई नहीं, अच्छे से अच्छा फ़्राक है। मैं आपको दिखाने पे मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि आपके यहाँ से कमेंट आए थे कि हमें फ्रीलों वाले फ़्राक दिखाएँ। सिंपल गुड बाय।